हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल कीर्ति उपता व्लॉग्स में। आज हम बनाएंगे ब्रेड का बहुत ही टेस्टी, बहुत आसान तरीके से लाजवाब नाश्ता। कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मिक्सिंग बाउल में डालेंगे हम 1 कप बेसन। बेसन डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमें इसे इसका बैटर तैयार करना है, तो धीरे धीरे करके हम पानी को ऐड करेंगे और इसको हम मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा भी लंप नहीं लगना चाहिए, तो लंप फ्री बैटर हम तैयार करेंगे। तो ऐसे मिलाते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐड करेंगे इसमें चॉप किया हुआ प्याज 1, चॉप करके डालेंगे टमाटर, वो भी हम 1 टमाटर लेंगे। 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे पनीर चॉप करके डालेंगे इसमें। 2 से 3 डालेंगे हरी मिर्च, धनिया डालेंगे थोड़ा सा, ऐड करेंगे 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें नमक, धनिया डालेंगे 1 छोटे चम्मच। इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। बैटर अगर थिक लगे तो उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा पतला बना लेंगे बैटर को। बैटर का कंसिस्टेंसी देखिए एकदम बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है। अभी हम करेंगे गरम पैन को मीडियम फ्लेम पे और ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच तेल। डालेंगे इसमें ब्रेड, इसके ऊपर डालेंगे ब्रेड। तो ब्रेड आप ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड लीजिए, कोई सा भी। और बैटर जो हमने तैयार किया है बेसन का, उसको हम अच्छे से ब्रेड को कवर कर लेंगे बैटर से, और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें 2 मिनट तक पकाना है, और सेम तरीके से हम फिर दूसरे साइड ब्रेड के दूसरे साइड को भी बैटर से कवर कर लेंगे। आप डायरेक्टली बैटर में भी डिप कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड उसमें टूट जाएगा, तो आप ऐसे कीजिए, बहुत आसान तरीके से ये हो जाएगा बिना ब्रेड को टूटे हुए। तो 2 मिनट हो गया है, अब हम पलट देंगे और दूसरे साइड को भी हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। आपको मैं बता दूं कि मेरा चैनल 5000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर गया है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो गिव अवे पे है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लीजिए ये टेस्टी नाश्ता तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी अगली गिव अवे की वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए ऐसी ही टेस्टी, इजी एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।